सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। एंड टुडे द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज फ्लिप्ड क्लासरूम। दिस इज अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक, वेरी बज वर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसिप्लिन, ईच टीचर, एजुकेटर एंड स्टूडेंट इज कंसर्न्ड विद दिस वेरी टॉपिक। Okay, so let's start our topic, and as usual, I have explained my topic in Hindi so that it will be bilingual and so that both the languages, दोनों भाषाओं में जानने वाले समझने वाले लोग इसे समझ सकें। मतलब मेरे students हिंदी समझने वाले भी हैं, English समझने वाले भी हैं, तो दोनों लोगों को, दोनों प्रकार के students को इससे लाभ मिले। तो फ्लिप क्लासरूम शुरू करने से पहले एक बात और कि मैं एजुकेशनल रिसर्च पर वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मीनवाइल ये टॉपिक मुझे मिल गया तो मैंने इस पर बना दिया। वो पाइपलाइन में और वो बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे बात की है कि एजुकेशनल रिसर्च पर वीडियो शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, यही समझ में आ जाएगा कि क्या है ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट। कि ट्रेडिशनल फ्लिप्ड मतलब हमने पलट दिया है, उलट दिया है ना, उसको उल्टा कर दिया जो हमारा क्लासरूम था। तो किसको उल्टा किया है? ट्रेडिशनल क्लासरूम को उल्टा किया है। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या था, ये जैसे कि हम लोग पढ़ते आए, पढ़ते पढ़ाते लेक्चर टुडे, टीचर आया क्लास में, वो लेक्चर दे रहा है, होमवर्क दे रही है, क्वेश्चंस ड्यू टुमारो, वो हमें मिलता था करने के लिए। और टीचर्स का रोल क्या था? सेज ऑन दी स्टेज, और अब क्या है? गाइड बाय दी साइड, गाइड ऑन दी साइड। और यहाँ एक्टिविटी हो रही है, ग्रुप वर्क हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, कैसे हो रहा है ये अभी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट किया है, और इससे एकदम समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज फ्लिप्ड क्लासरूम एंड व्हाट फिलॉसफी लाई बिहाइंड इट, कौन सी फिलॉसफी इसके पीछे काम कर रही है। द फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ पेडागॉजिकल अप्रोच। सबसे पहले बात तो क्या, ये एक अप्रोच है पेडागॉजिकल, मतलब पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है इसमें, और कोई नई बात नहीं है। इन विच जिसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मूव्स फ्रॉम द ग्रुप लर्निंग स्पेस टू द इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस। यानी यहाँ क्या किया गया है, जो हमारा लर्निंग स्पेस था, ग्रुप लर्निंग स्पेस, कहाँ पे? क्लासरूम में ही टीचर पढ़ाता था, कोई कंटेंट, कोई कंसेप्ट, कोई कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स सीखते थे ग्रुप में, लेकिन मतलब उनको क्या करता था, डिसिमिनेट करता था अपना इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि ग्रुप लर्निंग स्पेस की बजाय ये क्या है, इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस। यानी कि क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की बात हो रही है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात हो रही है। तो पहले जो ग्रुप लर्निंग स्पेस था वो अब इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस में कन्वर्ट हो गया है, एंड द रिजल्टिंग ग्रुप स्पेस। और अब जो ग्रुप स्पेस बचा, मतलब जो इंडिविजुअल ग्रुप स्पेस अब बन गया है, उसको उन्होंने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म इनटू ए डायनेमिक, पहली बात ये गतिशील होगा, इंटरैक्टिव यानी कि आप बातचीत करते रहेंगे, वन वे नहीं बल्कि टू वे प्रोसेस होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा पढ़ने पढ़ाने का वातावरण, वेयर जहां पे द एजुकेटर गाइड स्टूडेंट्स, जहां पे जो सिखाने वाला है, जो शिक्षक है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करेगा। क्यों, क्या कर सके वो, दे अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एंड एंगेज क्रिएटिवली इन दी सब्जेक्ट मैटर, ताकि वो पढ़ाने वाले जो प्रत्यय हैं, संप्रत्यय हैं, उनको अप्लाई कर सके, उनका एप्लीकेशन कर सके, और क्रिएटिवली रचनात्मकता पूर्ण तरीके से उनको सब्जेक्ट मैटर में वो इंगेज हो। और ये हमको डेफिनेशन मिल कहाँ से रही है, फ्लिप्ड लर्निंग नेटवर्क 2014 से मिल रही है डेफिनेशन। तो कई बातें निकल के आई कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मूव हो रहा है कहाँ से, ग्रुप लर्निंग स्पेस से इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस, और जो इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस है वो बन जा रहा है हमारा डायनेमिक और इंटरैक्टिव। क्यों बन जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सके कॉन्सेप्ट्स को, और सब्जेक्ट मैटर के साथ क्रिएटिवली इंगेज रहे। ओके, देन जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत रोचक है। सबसे पहले तो ये बात हमें जाननी होगी कि फ्लिप्ड क्लासरूम कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि हम पहली बार सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ी अलग बात है, जो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं बाहर से आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी एजुकेटर्स जो ये चाहते रहे, जिनकी फिलॉसफी ये रही कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमको सिर्फ क्लासरूम में बताना नहीं है, बल्कि उनसे डायलॉग एस्टैब्लिश करना है, कुछ डिस्कशन करते रहना है, कुछ लर्निंग होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की चीजों में जितने लोग इन्वॉल्व रहे आज तक, वो सब लोग फ्लिप क्लासरूम की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, या कह सकते हैं कि उन सब लोगों ने फ्लिप क्लासरूम के लिए बैकग्राउंड तैयार किया है, पहली बात। दूसरी बात,
अगर हम एकदम पुराने समय से शुरू करें, अगर हम जहां से हम लोग सॉक्रेटिस एरिस्टोटल पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम जानते हैं कि सॉक्रेटिक मेथड की बात होती थी। ये सब मैंने इसमें लिखा नहीं है। सॉक्रेटिक मेथड की बात होती थी, मतलब कि वो जो मेथड है उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि वो डायलॉग मेथड है। यानी कि उस वक्त कितने साल पुराने, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कितने सौ साल पुराने की बात है, कि तब ये बातचीत की जा रही थी कि हम क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे, डायलॉग करेंगे। फिर उसके बाद रियलिज्म आता है आपका, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, है ना, यानी कि टीचर को साइड में रहना है और लर्नर को मेन रोल प्ले करना है। फिर आपका प्रोग्रेसिविज्म आता है, प्रैग्मेटिज्म आता है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म आता है, कंस्ट्रक्शनिज्म आता है, सब कुछ टीचर की बजाय लर्नर के रोल को एम्फेसाइज कर रहे हैं। यानी कि ये सारी फिलोसफीज जो है कहीं ना कहीं फिर क्लासरूम के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी जिस पर कि ये रखा गया। फिर दूसरी बात खास बताने वाली यहाँ पे है, जो नाम जाना जाता है फिर क्लासरूम के लिए, वो जोनाथन बर्गमैन और एरॉन सैम्स का है, लेकिन इन्होंने फिर क्लासरूम को इन्वेंट नहीं किया है। उसके पीछे इतने लोग हैं जो फिर क्लासरूम पर बातचीत कर रहे थे, बस ये इनके संग फेमस हो गए, जुड़ गया इनका नाम इनके संग। अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको यही नाम मिलेंगे, लेकिन इतने लोग हैं जो ये काम कर चुके थे या कर रहे थे या कहीं ना कहीं उनका भी रोल इसके यू कैन से पॉपुलराइजेशन में है। तो सबसे पहले मेलिसा नेचकिना बात कर रही हैं यूएसएसआर एकेडमी ऑफ पेडागोजिकल साइंसेज की 1984 में फ्लिप क्लासरूम मॉडल की, कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए जो क्लासरूम में यूजुअली होता है वो नहीं हो बल्कि कुछ और हो। फिर एलिसन किंग का बहुत फेमस आर्टिकल है ये, और हम लोग बहुत जगह इसको कोट करते हैं, फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू द गाइड ऑन द साइड। यानी कि वो हमको एक ऐसा साधु संत नहीं बनाना है शिक्षक को जो उच्च मंच से निम्न स्तर के बच्चों को कुछ सिखा रहा है, बल्कि हमको गाइड बनके उनके साइड बाय साइड चलना है। यानी कि फिलोसफी देखिए चेंज हो रही है, टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर की तरफ हम लोग आ रहे हैं। फिर एक माजुल पब्लिश कर रहे हैं अपना आर्टिकल, क्या पीयर इंस्ट्रक्शन एंड यूज वर्ड्स मैनुअल। हमको ये भी ध्यान देना होगा कि फ्लिप क्लासरूम में पीयर लर्निंग का भी बहुत बड़ा रोल है, अभी जब इसके बारे में बात करेंगे तो समझेंगे। फिर बारबरा एंड वर्जीनिया बता रही है इफेक्टिव ग्रेडिंग के बारे में, ग्लेन प्लैट एंड माइकल ट्रेगलिया इन्वर्टेड क्लासरूम की बात कर रहे हैं 2000 में। फिर जो खान अकेडमी आई 2004 में, जो खान अकेडमी के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसमें शुरुआत हुई थी कि अपने किसी रिलेटिव के लिए वो कुछ वीडियो उन्होंने अपलोड किए यूट्यूब पर, ताकि वो उसको देख के समझ सके उसको कोई दिक्कत है पढ़ने समझने में, तो वो इतना पॉपुलराइजेशन हो गया उसका। देन कार्लफिश एंड हेड ब्लॉग अबाउट फ्लिप क्लासरूम मॉडलिंग 2010 में कार्लफिश भी यही बात कर रहे हैं। फिर जोनाथन बर्गमैन ने ये 2012 में अपना, जब तब इन्होंने फ्लिप क्लासरूम यहाँ से जब शब्द मिल गया इनको, तो इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है फ्लिप योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम को फ्लिप कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? रीच एवरी स्टूडेंट, ताकि आप हर स्टूडेंट तक पहुंच सके इन एवरी क्लास, हर क्लास में एवरी डे, यानी कि हर रोज हर क्लास में हर बच्चे से अगर आप मिलना चाहते हैं, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप अपने क्लासरूम को फ्लिप कर दीजिए। यहाँ से ये फेमस हो गया, फ्लिप क्लासरूम का नाम इनके संग जुड़ गया। फिर इन्होंने लिखा है फ्लिप लर्निंग गेटवे टू स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड वेरियस अदर आर्टिकल्स विच हैज फ्लिप्ड लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम इन इट्स कोर। ओके, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहले बात कर लें कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या हो रहा है, फिर इस पे बात करते हैं कि हम क्लास में जाते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप उसको घर से होमवर्क करके लाएंगे, असाइनमेंट करके लाएंगे, तो असाइनमेंट करने के टाइम आप अकेले हैं। जबकि वहां पे क्या हो रहा है, अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखें तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जरूरत हमें असाइनमेंट करने में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ना इसका, और रिमेम्बरिंग आपका नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन, रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, या रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, ये तो हम क्लासरूम में कर रहे हैं जबकि टीचर साथ में है, जबकि हमको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD या स्कैफोल्डिंग क्या कहता है कि जब कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन आपके साथ है तो आप बेहतर सीखते हैं। तो यानी कि इन ट्यून विद द रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इन ट्यून विद द वाइगोट्स्की ZPD मॉडल, इन ट्यून विद द ब्रूनर्स स्कैफोल्डिंग मॉडल, हम क्या करना चाहिए हमको कि क्लासरूम में का टाइम डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इंकल्केशन करें, हम उसकी प्रैक्टिस करें, हम बातचीत करें, हम वाद विवाद करें, हम डिबेट करें। तो लेकिन बच्चे को फिर समझाएं कब, उसका कंटेंट कैसे दें, तो कंटेंट प्रायर टू द क्लास देना है, ठीक है, प्रायर टू द क्लास, यानी क्लास शुरू होने से पहले बच्चे के पास वो कंटेंट
पेमेंट हो। अब चूंकि अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब पहले हो सकता था कि पत्राचार से दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है रोज रोज भेजना। लेकिन अब क्या है कि अब आप कंटेंट बनाइए, वीडियोज बनाइए और उसको प्रायर टू दी योर एक्चुअल क्लास आपको स्टूडेंट तक उसको डिसमिनेट करना है, पहुंचाना है, शेयर करना है। और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उसको पढ़ कर आएगा, यानी कि वो नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन लेवल का काम अकेले करेगा और एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन टीचर के साथ करेगा या पीयर ग्रुप के साथ। इसीलिए कह रहे हैं कि पीयर लर्निंग की इतनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो जरूरी नहीं है कि हर फ्लिप क्लासरूम फ्लिप लर्निंग को तक जाए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर फ्लिप क्लासरूम में हम लर्निंग कर पाए, रिमार्केबल लर्निंग हो, बढ़िया लर्निंग हो, तो हमको चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि FLIP करके इसको तोड़ा गया, क्या कि एनवायरमेंट क्या हो, फ्लेक्सिबल, यानी कि कभी भी बच्चा पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है, जो मैटर उसको पहले दे दिया गया है। फिर लर्निंग कल्चर, हमको कल्चर बदलना है, क्लासरूम में हमको पढ़ने पढ़ाने की हमको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करनी है। घर में जब हम अकेले हैं, जब हमारा कोई सहयोगी नहीं है, जब हमें कोई साथ देने वाला नहीं है, तब हम सिर्फ कंटेंट से अपनी एक समझ डेवलप करेंगे। फिर इंटेंशनल कंटेंट, यानी ये नहीं कोई सा भी कंटेंट उठा के हमको फिर क्लासरूम में नहीं पढ़ा देना उसको या उस मॉडल को नहीं फॉलो करना है। एक्चुअली वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिस पर हम डिस्कशन कर सके, जिस पर एप्लीकेशन हो, कोई हर कंटेंट भी नहीं हो सकता है ना। तो इंटेंशनली चुनना है, डिलीबरेटली हमको वो कंटेंट चुनना है। देन एजुकेटर मस्ट बी प्रोफेशनल, उसके पास प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए, वो 21st century स्किल्स में स्किल्ड होना चाहिए, उसको टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, वो टेक्नो सेवी होना चाहिए, तभी तो ये सब कुछ कर पाएगा ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, फ्लिप क्लासरूम के। हाउ टू फ्लिप, कैसे फ्लिप किया जाए। सबसे पहले क्या करें, डिटरमाइन योर टेक्नोलॉजी, सबसे पहले सुनिश्चित कीजिए कि हम किस तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। फिर सुनिश्चित करिए, देन क्रिएट योर वीडियोस, अपने वीडियोस बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे। फिर बी ट्रांसपेरेंट विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यानी हमको स्टूडेंट और पेरेंट को बताना है ये हमारा क्या रैशनल है, क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उसमें आप ही का लाभ है, तभी तो वो पढ़ेंगे या पहले से पढ़ के आएंगे या पेरेंट्स एक चेक रखेंगे कि बच्चा पढ़ के जा रहा है कि नहीं। एंड मेक योर स्टूडेंट्स अकाउंटेबल, हमको बताना है अपने स्टूडेंट्स को कि आपको पढ़ के हर हाल में आना ही है। अगर आपने इतनी मेहनत की, वीडियो बनाया, शेयर किया, सब कुछ कर दिया, बच्चा पढ़ के ही नहीं आता है, तो सारा फिर बेकार है। देन कीप इट अप, अगर सब सही चल गया तो हम इस मॉडल को रिपीट कर देंगे। इसी तरह से जेफ डन 2014 में आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं, रिकॉर्डिंग, शेयरिंग, चेंजिंग, ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग, इस तरह से करके हम अपनी क्लासरूम को फ्लिप कर सकते हैं। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ ही लिखे हैं यहाँ पे, बाकी आप खुद सोचिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए, खुद अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स निकल आएंगे। क्या है इसका एडवांटेज, कि इन ट्यून विद द नीड्स ऑफ डिजिटल नेटिव्स, हम जब बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो डिजिटल नेटिव्स हैं, टीचर जो है डिजिटल इमिग्रेंट है, तो उनकी नीड्स भी डिजिटल है, उनको टेक्नो सेवी है, उनको ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है, उनको वीडियोस शेयर करना, वीडियोस से पढ़ना पसंद है, तो ये उनकी नीड के हिसाब से है। देन इट विल हेल्प ऑल सॉर्ट्स ऑफ लर्नर्स, मतलब हम लोग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स पढ़ते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पढ़ते हैं, तो ऑडियो भी है, विजुअल भी है, हमारा उसमें म्यूजिक भी है, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कई तरीके के लर्नर्स के लिए सूटेबल है। देन इंक्रीज इंटरेक्शन टाइम बिटवीन टीचर स्टूडेंट्स, नहीं तो क्लासरूम में टीचर के पास टाइम नहीं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, पीरियड ओवर, खत्म हुई कहानी, फिर दूसरे दिन नया क्लास, नया टॉपिक, तो यहाँ पे इंटरेक्शन टाइम बढ़ जा रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच, बहुत बड़ी बात है। देन मेक क्लासरूम प्रैक्टिसेस मोर ट्रांसपेरेंट, सबको पता है, अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि टीचर ने क्या वीडियो भेजा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है, तो सब कुछ हम साथ में लेके चल सकते हैं। एनश्योर्स पीयर लर्निंग, जब हमारा डिस्कशन हो रहा है तो ग्रुप में हम बातचीत कर रहे हैं ना, तो पीयर लर्निंग भी हो, जिसका बहुत बड़ा रोल है और होना चाहिए। एंड इट इन्वॉल्व्स पेरेंट्स टू, यानी कि हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इस तरह की लर्निंग में, ताकि वो ध्यान दें, ख्याल रखें कि बच्चे को घर में उतना समय मिले, उसको पढ़ने के लिए समय दिया जाए, ये चेक किया जाए कि वो पढ़ के जा रहा है कि नहीं, इस तरीके की बातें और बहुत सारी और बातें, और लर्निंग तो बढ़िया होगी इसमें, तो ये नो डाउट, इतनी मेहनत होगी तो लर्निंग बढ़िया होगी। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, बात अगर उनके पास ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं है, किनके पास, स्टूडेंट्स के पास, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर हम रिकॉर्डेड वीडियोस उन तक नहीं पहुंचा सकते। ये बात दूसरी कि उसके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है कि ऑफलाइन पढ़ सके एटलीस्ट वो। फिर स्टूडेंट्स कैन डिनाई टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग, ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को नहीं मन है उतना इनिशिएटिव लेने का, वो नहीं चाहता है कि अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी वो खुद ले, वो क्योंकि आदत होती है ना थोपने की किसी और के पर,
तो हम पढ़ के ही नहीं जाना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप वीडियो शेयर कीजिए, हम पढ़ के जाएंगे ही नहीं, तो आप क्या कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देन टीचर्स मस्ट हैव टेक्निकल स्किल्स, तभी आप ये सारा कुछ कर पाएंगे काम। इंस्टीट्यूशन में नॉट है रिसोर्सेज, ये भी हो सकता है ना कि हमारे पास LMSs नहीं है, पेड सर्विसेज नहीं है, कुछ इस तरीके की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। देन ओनली कॉग्निटिव डोमेन एज एम्फेसाइज्ड है यहाँ पे, साइको मोटर और इफेक्टिव डोमेन की उतनी बात नहीं की जा रही है, हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ आवर क्लासरूम्स क्रिएट हिंडरेंसेस, जनरली हमारी क्लासरूम्स में सीट्स फिक्स्ड होती हैं, फिर हमको ग्रुप वर्क कराने में बड़ी दिक्कत होती है, कैसे डिस्कशन करेंगे, कैसे सबके पास टीचर पहुंचेगा, कैसे घुस घुस के जाएगा सारी रोज में से, तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंडरेंस होता है इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए। देन स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सच इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बात जो ऊपर भी लिखी गई कि उनके पास इतना मोटिवेशन नहीं है कि वो रोज या हर फ्लिप क्लासरूम की हर क्लास को पहले से पढ़कर तैयार करके जाएंगे, इतना मोटिवेशन नहीं रखते हैं जनरली वो। देन इट विल बी टाइम टेकिंग फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसको पहले से पढ़कर जाना है, तैयारी करके जाना है, प्रिपेयर हो जाना है, और टीचर के लिए टाइम टेकिंग तो है ही। सोल्यूशन है इसके, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। टीचर मस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड रैशनल ऑफ फ्लिप क्लासरूम इन एडवांस टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सो दैट कि वो पढ़कर आएंगे और पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए समय, मौका और सपोर्ट करेंगे। देन वीडियोज मस्ट बी शॉर्ट एंड इंटरेक्टिव, बाय सो दैट कि उनका इंटरेस्ट हम सीख कर सकें, उनको उसमें मजा आए, वो पढ़ना चाहें, इंटरेक्शन उनसे हो सके, तो वीडियोज बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। देन स्टूडेंट्स मस्ट हैव एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस मस्ट अपग्रेड देमसेल्व्स, बेटर वाईफाई फैसिलिटी शुड बी देयर, एंड देयर मस्ट बी प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे विल बी टेक्नो सेवी। ओके, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालना चाहें, देखिए ये फ्लिप्ड है और ये ट्रेडिशनल है। फ्लिप में क्या हुआ, टीचर इंस्ट्रक्ट्स लेसन एट होम, वीडियो हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, बुक हो सकती है, वेबसाइट, और ट्रेडिशनल में टीचर इंस्ट्रक्ट्स, स्टूडेंट टेक नोट, स्टूडेंट्स फॉलो गाइडेड इंस्ट्रक्शन, टीचर गिव्स असेसमेंट एंड स्टूडेंट्स हैव होमवर्क, जबकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स वर्क इन क्लास, क्लास में हम काम करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस एंड कनेक्शंस टू कंटेंट आर मेड, एंड स्टूडेंट्स रिसीव सपोर्ट एज नीडेड। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप क्लासरूम सीम्स इंटरेस्टिंग टू यू एंड यू ऑल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। डन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू ऑल।